हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो अब हम 26 जून की जो मेंस की शिफ्ट वन है उसके एनालिसिस के साथ हैं। तो आज के वीडियो के अंदर जैसे हमने बाकी के पेपर्स एनालिसिस किए थे उसी तरह एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टिप्स देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे, देखेंगे चैप्टर्स कौन सी क्लास के, 11th के, 12th के, क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस तरह से उनको अप्रोच किया जा सकता था। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और अब हम आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चंस जो सारे के सारे क्वेश्चंस है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, तो ऑल द क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, सिर्फ 17-18 क्वेश्चंस के अराउंड होते हैं और इसी पर बेस्ड हमारा एनालिसिस रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके सामने, ये कॉम्पोजिशन पर बेस्ड है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर आपके पास एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है और आपको ये डिफाइन कर रखा है कि एफ ऑफ एन प्लस वन एक्स जो रहेगा ये एफ ऑफ एन एक्स इसके बराबर रहेगा। तो ये रिपीटेड कंपोजिशन जो होगा ये इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, अप्लाई होता रहेगा और इसी के अंदर अब अपन को ये सॉल्व करना है। तो पहले हम ये देख सकते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स, या इसको आप एफ वन एक्स भी बोल सकते हैं, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है। तो आपका ये जो एफ टू एक्स होगा ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि एफ ऑफ एक्स होगा। तो एक्स की जगह अब आप एफ एक्स रख देंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में जो एक्स है यहाँ पर एक्स की जगह एफ एक्स की डेफिनेशन आ जाएगी और नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह एफ एक्स की डेफिनेशन आ जाएगी। इसको अब अपन एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस टू और अपॉन के अंदर आपके पास आ जाएगा टू एक्स इस तरह से। तो ये माइनस का 1/x हो गया, ये आपका एफ टू एक्स एफ ऑफ एक्स है। तो एफ थ्री एक्स के अंदर हम एक और कंपोजिशन लगाएंगे, यानी एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, या ऐसा समझ लीजिए कि एफ ऑफ एफ टू एक्स ऐसा चल रहा है। तो अब एफ एक्स की डेफिनेशन में एफ टू एक्स रखा जाएगा तो ऊपर एक्स की जगह माइनस वन बाय एक्स रख लेंगे और नीचे अपन इसके केस के अंदर क्या रख लेंगे, इसी तरह माइनस वन बाय एक्स रख लेंगे। अब एलसीएम लेकर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वन माइनस एक्स ऊपर, माइनस वन प्लस एक्स नीचे, ऊपर नीचे अगर अपन यहाँ पर देखें ढंग से तो इसके केस के अंदर अगर आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ये एक्स प्लस वन और नीचे वन माइनस एक्स, कुछ ऐसी फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एफ थ्री एक्स इस तरह से। अब अगर आप यहाँ पर एक बार और यही अप्लाई करेंगे एफ फोर एक्स, एक और कंपोजिशन लेने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर यहाँ पर अपन एक और कंपोजिशन लेने की कोशिश करेंगे तो फिर से एक्स की जगह इस बार क्या आएगा, एक्स प्लस वन और नीचे आ जाएगा आपके पास वन माइनस एक्स। तो इसको रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस का वन और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स और प्लस का वन। तो ये ऊपर आपके पास टू एक्स बन जाएगा और नीचे आपके पास इसकी वैल्यू टू के बराबर आ जाएगी। तो ये जो फॉर्म आ रही है ये एक्स है। तो आपका एफ ऑफ एक्स आपको पता है क्योंकि अब रिपीट होने लगेगा बेटा, है ना, एफ वन एक्स आपको पता है ये ऐसा था। इसी तरह अगर आप एफ टू एक्स निकालोगे तो माइनस वन बाय एक्स आएगा, फिर आप एफ थ्री एक्स निकालोगे तो आपके पास क्या आया था यहाँ पे, एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स, और एफ फोर एक्स वापस से एक्स आ जाता है। अब ये रिपीट होने लग जाएगा, यही आपका एफ फाइव एक्स होगा, यही आपका एफ सिक्स एक्स होगा, है ना, आगे जाएंगे तो यही आपका एफ सेवन। तो कॉम्पोजिशन जब बहुत ज्यादा बार लेना पड़ता है ना तो चीजें रिपीट होने लग जाती है। तो अब आपके पास एफ सिक्स एक्स आ गया, आपके पास एफ सेवन एक्स आ गया। अब आप यहाँ पर एफ सिक्स एक्स के अंदर एक्स की जगह सिक्स और एफ सेवन एक्स में एक्स की जगह सेवन पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लास ट्वेल्थ का फंक्शंस का टॉपिक है, क्लास ट्वेल्थ का, और ये सब टॉपिक इसका कॉम्पोजिट फंक्शंस है और ये पैटर्न्स पर बेस्ड है। जैसे कुछ क्वेश्चंस पहले भी आ रखे हैं तो इसे हम मॉडरेट कैटेगरी में अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ आई। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास अवेलेबल है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये वाला क्वेश्चन अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो इन्होंने टेंजेंट की और एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है। टेंजेंट है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर टू और कर्व भी दे रखा है x बाई ए की पावर n प्लस वाई बाई बी की पावर n बराबर टू और a कॉमा बी पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है इन्होंने। तो आप a कॉमा बी पे लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, y माइनस बी अपॉन x माइनस ए बराबर क्या आएगा, स्लोप, है ना, बराबर अपन क्या करेंगे यहाँ पे स्लोप कर देंगे। ये बात समझ में आती है अपन को। तो यहाँ पर अब अपन को ये स्लोप करना है, स्लोप कैसे आएगा, dy बाई dx से आएगा। तो dy बाई डी एक्स यहाँ करते हैं तो डेरिवेटिव इसका आएगा n x बाई ए की पावर n माइनस वन इंटू वन बाई, फिर आगे करोगे, है ना, चेन रूल साथ में लगाना, n y बाई बी की पावर n माइनस वन वन बाई बी और y का खुद का डेरिवेटिव जो होता है dy बाई डी एक्स। ये बात चमकी क्या अपन को, है ना, और ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ जीरो पे।
तो यहाँ से आपके पास dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, n तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। n अगर यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बनेगा, x की पावर n माइनस वन अपॉन में a की पावर n इंटू बी की पावर n, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, y की पावर n माइनस वन, वो भी एक नेगेटिव साइन के साथ। ये बात समझ में आती है ना। तो ये y माइनस बी अपॉन x माइनस ए अपन ने देखा, और ये अब अपने पास इसके केस में इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया, ठीक है। और आपको ये पता है कि भाई अगर आप यहाँ ये इस इक्वेशन के ऊपर पढ़ा है, ये a कॉमा बी जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, इसी पे लाई कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे तो हम a कॉमा बी पे dy वाई बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप a और b रख देंगे। तो अगर आप यहाँ x की जगह a और y की जगह b रखेंगे तो उसके केस में ये माइनस का बी बाई ए बन जाएगा। अब हम यहाँ पर इक्वल टू माइनस बी बाई ए कर देंगे, और अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक तरफ ट्रांसपोज करने पर बी एक्स प्लस ए वाई बराबर टू ए बी, और ए बी से अगर यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी बराबर टू आ जाएगा, जो इक्वेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी। तो हमने ए कॉमा बी पर इसका टेंजेंट निकाला जो यही आ गया जो इन्होंने बोला है। उन्होंने बोला ये इसका टेंजेंट कब होगा, तो हमेशा होगा टेंजेंट। एन बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके केस के अंदर एन यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए। कोई भी अगर ये नेचुरल नंबर है तो उसके केस के अंदर हो जाएगा। जीरो सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, इवन, ऐसा बोलना जरूरी थोड़ी, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ये तो हमेशा ही इसका टेंजेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसके केस के अंदर यहाँ ये सारे सॉल्यूशन ही करेक्ट। तो ये आपका क्लास इलेवेंथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था। आपको डी वाई बाई डी एक्स के भी यूज हो रहा है, तो साथ में हम ट्वेल्थ का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। तो ट्वेल्थ प्लस इलेवेंथ मिक्स था, और ये भी मॉडरेट कैटेगरी के अंदर हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका क्या किया, हमने इसका टेंजेंट निकाला, और ये हमारी वही इक्वेशन आई जो एक्चुअली क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमेशा ही सही हो जाएगी। एंड हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मॉड्यूलस और इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अब आपके पास यहाँ पे सिक्स फंक्शंस है, मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स प्लस टू, मॉड एक्स प्लस थ्री, मॉड एक्स प्लस फोर, मॉड एक्स प्लस फाइव, और आपको माइनस सिक्स से जीरो में इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये कैपिटल एफ एक्स है क्या, कैपिटल एफ एक्स आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो भी मॉड एक्स प्लस वन से मॉड एक्स प्लस फाइव, सॉरी, इन फाइव फंक्शंस में जो सबसे बड़ा होगा माइनस जीरो से माइनस सिक्स में, उसी को लिया जाएगा एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन के लिए। तो हम ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको पता है मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है ना, मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो अभी के लिए हमें मॉड एक्स नहीं चाहिए, हमें मॉड एक्स प्लस वन चाहिए, तो मॉड एक्स प्लस वन शिफ्ट हो जाएगा माइनस वन पे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, है ना, ये यहाँ पर इसे जीरो कॉमा वन पे कट करेगा। नेक्स्ट ग्राफ मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ है, मॉड एक्स माइनस टू इसके पैरेलल बनेगा ऐसा, है ना, और इस तरह से बढ़ेगा। फिर आपके पास इसी तरह मॉड एक्स माइनस थ्री आएगा, तो वो भी ऐसा पैरेलल बनेगा, और फिर आगे जाएगा इस तरह से ऊपर की तरफ। फिर आपका मॉड एक्स माइनस फोर आएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस फाइव। तो अगर हम यहाँ पर ये पैटर्न देखें जो बन रहा है, अगर इसे थोड़ा सा छोटा स्केल डाउन करके देखें, तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न है, बात समझ रहे हो मेरी, तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न है जो चलता जा रहा है ऐसा आगे तक, है ना। ये यहाँ पे जैसे माइनस फोर है, मॉड एक्स प्लस माइनस प्लस फाइव तक ऐसे चलता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब तक कि, ध्यान से देखना बेटा, जब तक ये मॉड एक्स प्लस फाइव इस मॉड एक्स प्लस वन के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ऊपर कौन है, सबसे ऊपर मॉड एक्स प्लस वन, और जहां पर मॉड एक्स प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस वन बराबर हो गए, उसके आगे कौन है, मॉड एक्स प्लस फाइव। तो ये इसका मैक्सिमम का ग्राफ बनेगा। ऊपर ये वी दिख रहा है, यही, तो आप देखो मॉड एक्स प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस वन कब बराबर है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स प्लस फाइव मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो इसके केस के अंदर आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो अपन क्या करेंगे सॉल्व, तो x बराबर यहाँ पे माइनस थ्री आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस सिक्स से लेकर माइनस थ्री तक अगर आप इसकी लिमिट स्प्लिट करोगे, तो ये आपके पास पहले मॉड x प्लस वन का इंटीग्रेशन रहेगा, और उसके आगे माइनस थ्री से लेकर जीरो में ये मॉड x प्लस फाइव का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके आगे मैं चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करो, माइनस सिक्स से माइनस थ्री में मॉड एक्स प्लस वन नेगेटिव, एक्स प्लस वन नेगेटिव है तो माइनस एक्स माइनस वन खुलेगा, इंटीग्रेशन आपको करना है। एक्स प्लस फाइव में माइनस थ्री से जीरो में ये पॉजिटिव है तो ये एक्स प्लस फाइव ही खुलेगा, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट स्प्लिट करी, और ये ग्राफ वाला सिनेरियो इंपॉर्टेंट था, ये जानना कि हर वक्त मॉड एक्स प्लस वन कब बड़ा रहेगा और मॉड एक्स प्लस फाइव कब रहेगा। तो मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन प्लस फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स यानी मॉड से बना हुआ है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, तो इसको मैं डिफिकल्ट रेट करूँगा क्लास ट्वेल्थ, ओके। तो इस तरह से ग्राफ की हेल्प आप ले सकते थे।
फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अब आप है ना इस पेपर के अंदर आप देखेंगे तो आपको चैप्टर्स का मिक्सचर देखने को मिलेगा बेटा, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना तो जैसे अभी पहले ये दो चैप्टर मिक्स हुए, फिर दूसरे दो हुए थे, इस बार इनवर्स ट्रिग्नों के साथ लिमिट्स आ रही। तो ये साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, अब ये 1/√2 जा रहा है कॉस इनवर्स के अंदर, तो कॉस इनवर्स 1/√2 π/4 होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये। तो हम कॉस इनवर्स एक्स को बेसिकली यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इस कॉस इनवर्स एक्स को इधर थीटा अज्यूम कर सकते हैं और साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेसिकली एक्स है, तो यहाँ से आप साइन थीटा निकालोगे न्यूमरेटर में, तो ये रूट का 1 - x² आ जाएगा, साथ में माइनस में एक्स जा रहा है। इसी तरह आप यहाँ टेन थीटा भी निकाल सकते हो बेटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 - x² / x। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, आंसर माइनस एक्स आ जाएगा, तो 1/√2 इसमें पुट करेंगे, -1/√2। तो बस ये इनवर्स लिमिट्स का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं लगा, बेसिक वही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा के बस सब्सटीट्यूट करना है और कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको इजी रेट करना चाहता हूँ, भले ही आपको लग रहा हो कि इनवर्स भी लग रहा है सर, बट ये एकदम सिंपल, मतलब वन लाइनर था आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा लिमिट्स प्लस ITF का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हम आप देख रहे हैं ये फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 5.6 पे नॉर्मल है, अब ये कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये क्लास 11th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शंस आता है उसका क्वेश्चन है। आप 5.8 पे नॉर्मल बना रहे हो इस पैराबोला पे, नहीं फ्रॉम 5.8, तो यहाँ पर पैराबोला इस टाइप का है 4ax, तो 4a की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, तो आपका a 3/2 आएगा, है ना। अब पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y + tx = at³ + 280, ऐसा ही लिखते हैं, याद आए। अब आप x की जगह 5 रख दो, y की जगह 8 रख दो, क्योंकि 5.8 से पास हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 8 + 5t = 3t³/2 और प्लस में 3t आ जाएगा। सबको आप एक तरफ ले जा सकते हैं, तो सबको एक तरफ ले जाकर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा। तो सबको एक तरफ ले जाकर अगर आप LCM लोगे तो आई गेस ऐसा कुछ बनेगा, 3t³ - 4t - 16 = 0। चेक एक बार आप जरूर कर लेना। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा t = 2। क्यूबिक का पहला रूट ट्रायल एंड एरर से आता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल बनाया है आपने पी पे, ये पैराबोला को कहाँ पे मीट करता है, क्यू पे, और टेंजेंट एट क्यू मीट्स एट पॉइंट आर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो अब t = 2 पे टेंजेंट देखना पड़ेगा, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, yt = x + at², है ना। तो यहाँ पर y × 2 और x प्लस a की जगह 3/2 और t की जगह 2, तो ये टेंजेंट आपके पास जो q पॉइंट पे बन रहा है ये आ जाएगा 2y = x + 6। और अब ये डायरेक्ट्रिक्स को r पॉइंट पे मिल रहा है, उसका ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट बताना है। डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन होती है, x = -a, तो यहाँ पर आप 3 की जगह माइनस है यानी -3/2 लिख दोगे ऐसा। तो इसको अब अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या, तो y 9/4 आ जाएगा भाई आंसर। तो पहले आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है नॉर्मल की वो लिखनी थी, 5.8 पुट करना था, वहाँ से टी आता, फिर उस पर टेंजेंट निकाल के डायरेक्ट्रिक्स के साथ इंटरसेक्शन। तो कॉन्सेप्ट का फ्लो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो स्लाइटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो ये आपका किसका क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। तो कोनिक सेक्शन से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिक्स्थ पर आते हैं, सिक्स्थ आपका डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है और उसी की प्रॉपर्टी से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ 24A, इसका डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ 3 × एडजॉइंट ऑफ 2A के बराबर है, तो आपको डिटरमिनेंट A का स्क्वायर पता करना है। तो ये देखने में इतना अजीब लग रहा है बट है बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो पहले इसकी बात करते हैं, पहले 24A को आप x मान लो सबसे पहले, तो एडजॉइंट ऑफ x, पहले LHS निकाल रहे, ये हो जाता है डिटरमिनेंट x, और ऑर्डर अगर आपका n है तो ये n-1 हो जाता है, यहाँ 3×3 है तो 3-1 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ 24A रख दो, है ना, इसका जो भी डिटरमिनेंट आएगा इसका स्क्वायर कर देंगे। मैट्रिसेस के अंदर कोई भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी स्केलर होता है ऐसे अंदर, तो वो बाहर आता है अगर के, तो k की पावर n हो जाता है, तो ये बन जाएगा 24³ × determinant of A और इसका होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसी आ जाएगी, 24³ × determinant A का होल स्क्वायर। ये LHS है, आपको ध्यान में रखनी। RHS के अंदर फिर से इसको 3 × adjoint 2A को x मान लो, तो ये फिर से adjoint of x वाला फॉर्मूला लगेगा,
ये आ जाता है एक्स की पावर एन माइनस वन। इस बार हमने किसको माना था, यहाँ थ्री एडजॉइंट ऑफ टू ए और इसकी यहाँ पर ये एक्स था। अब थ्री बाहर आएगा तो यहाँ पे थ्री क्या बन जाएगा, थ्री यहाँ पे क्या बनेगा पता है आपको, थ्री की वैल्यू आ जाएगी थ्री स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर इसके थ्री क्यूब के बराबर। तो थ्री क्यूब और एडजॉइंट ऑफ टू ए का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ टू ए भी अंदर ही और बाहर होल स्क्वायर। अब एडजॉइंट ऑफ टू ए को फिर से सॉल्व करेंगे तो थ्री क्यूब बाहर ही, ये डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए और यहाँ पर थ्री माइनस वन आ जाएगा, स्क्वायर अभी भी बाहर। तो ये हो गया थ्री की पावर सिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर क्या था, टू ए था, और ये टू इधर मल्टीप्लाई कर दो टू से तो ये फोर बन जाएगा, है ना। अब ये डिटर्मिनेंट टू ए का खुद का स्केलर भी बाहर आएगा, है ना, तो ये टू क्यूब बन के बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट ए अंदर है और बाहर होल पावर में फोर है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा थ्री क्यूब इंटू टू की पावर ट्वेल्व इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर फोर। तो कैलकुलेशन एक बार खुद को चेक करनी है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज हो रही है, कि एडजॉइंट ऑफ एक्स अगर लोगे तो वो डिटर्मिनेंट एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, और डिटर्मिनेंट अगर आप लेते हो के इंटू एक्स तो ये के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रॉपर्टीज हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर लो, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये आप मॉडरेट ले सकते हैं और ये क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। वैसे तो ईजी है बट थोड़ी कैलकुलेशन क्लास ट्वेल्थ, क्लियर। तो आई होप आपको, और ये मजेदार क्वेश्चन है तो आई होप आपको साथ साथ मजा भी आ रहा है, राइट। चलो तो हम आगे बढ़ेंगे और सेवेंथ वाला क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो मेमोरी बेस्ड पेपर्स के अंदर मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी देखने को मिल रही है पिछली दो तीन शिफ्ट से, और आपने भी पुरानी शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है तो वो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, और चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं उस कॉन्टेंट को। सेवेंथ पे आते हैं और अपने पास एक सर्कल और पैराबोला का कॉमन टेंजेंट दे रखा है और ये एक्स एक्सिस को क्यू पे मीट करता है। तो कॉमन टेंजेंट के लिए पैराबोला का टेंजेंट क्या लिखोगे, वाई बराबर एम एक्स प्लस ए बाय एम। अब सर्कल का सेंटर 0, 0 है, ये 3/2 का होल स्क्वायर है तो रेडियस 3/2 हो गया। तो 0, 0 से डिस्टेंस निकाल लो सिंपल, 1/m नीचे रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 0, 0 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बटन, इसका मॉड 3/2 के बराबर कर दो। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो 4 आ जाएगा 9m स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 9m की पावर 4 ऐसा। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, इस बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे एम स्क्वायर को, यहाँ पर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक कर सकते हो। तो ये ऐसा बन जाएगा 9m की पावर 4 12m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4। तो ऐसे फैक्टर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएंगे 3m स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3m स्क्वायर प्लस 4 टाइप के। तो m स्क्वायर की दो वैल्यू आ रही है, स्लोप का स्क्वायर या तो 1/3 या माइनस 4/3। स्लोप का स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं बेटा, तो m स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ गई। तो आपका ये जो m है ये प्लस माइनस 1/√3 हो सकता है ऐसा, ठीक है, इस पे बाद में आएंगे। और ये q को कट कर रहा है, मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट q, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर आप y कोऑर्डिनेट 0 करोगे तो x कोऑर्डिनेट माइनस 1/m स्क्वायर आ रहा है। तो आप कुछ भी लो, 1/√3 माइनस 1/√3, x कोऑर्डिनेट माइनस 3 आ रहा है तो q पॉइंट मिल जाएगा माइनस 3, 0। अब बोला है एलिप्स की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 6 है तो 2a बराबर 6 हो गया, और माइनर एक्सिस की लेंथ OQ है तो 2b बराबर 3 हो जाएगा, माइनस 3, 0 का डिस्टेंस। अब आपसे इन्होंने क्या पूछ लिया, लेंथ बताओ L अपॉन E स्क्वायर की, L क्या होगा 2b स्क्वायर बाय A, और एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाय A स्क्वायर। आगे आपके लिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, A बराबर यहां से 3 आ रहा है, B बराबर 3/2 आ रहा है, स्टैंडर्ड एलिप्स आप खुद ट्राई करेंगे। तो मेन यही था, कॉमन टेंजेंट निकालने के बाद उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, फिर एलिप्स के लिए तो बिल्कुल बेसिक चीज होगी। तो कॉनिक्स है और कॉमन टेंजेंट यूज हो रहा है तो मॉडरेट है। कॉमन टेंजेंट का रिवीजन हमने थोड़े दिन पहले अभी किया था एक रिवीजन सीरीज के अंदर, तो आपको कॉमन टेंजेंट क्लियर नहीं है तो आप उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लास 11th का क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन कॉनिक्स से आए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और आई थिंक 8th क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन को हम देखेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आपको पता हो क्लास 11th का टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अच्छा टॉपिक है अगर आप पढ़ना चाहें समझना चाहें, काफी लॉजिकल अप्रोच है। तो यहाँ क्वेश्चन 8 में क्या बोल रखा है कि आपको 3 बॉयज 3 गर्ल्स की टीम बनानी है, टोटल 10 बॉयज 5 गर्ल्स में से आपको 3 बॉयज 3 गर्ल्स चूज करना है, लेकिन कोई दो पर्टिकुलर बॉयज है जिनकी आपस में नहीं बनती, बॉय 1 बॉय 2, वो साथ नहीं आने चाहिए।
तो अपन टोटल सिलेक्शन के केसेस में से वो सिलेक्शन हटा देंगे जब बॉय वन बॉय टू साथ आ रहे हैं। तो टोटल सिलेक्शन क्या होंगे, 3 boys into 3 girls का सिलेक्शन। अब वो केसेस हटा दो जब आपने बॉय वन बॉय टू दोनों को साथ में ले लिया, आपने दोनों को ले लिया, 10 में से ये 2 boys ले ले, तो पीछे 8 boys बचे जिनमें से आपको एक और लेना है क्योंकि 3 boys चाहिए, तो 8C1 तरीके होंगे बॉयज के और गर्ल्स अभी भी 5C3 से। ये आंसर हो गया बेटा, कितना हलवा सवाल था, इजी क्या, सुपर इजी डालना चाहिए। तो टोटल ये PNC का सवाल है क्लास 11th का, इजी टोटल जो तरीके हैं 10C3 into 5C3, इसमें से वो तरीके हटा लेंगे जब B1 B2 दोनों को अपन क्या ले रहे हैं, साथ में सेलेक्ट कर रहे हैं। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं पक्का, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये बाइनोमियल थ्योरम का आ रहा है। आई थिंक अभी 24 shift 1 to 25 shift 1 to और 26 shift 1, इसके एनालिसिस पर हम अभी तक पहुंचे हैं। और फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव शिफ्ट है जहां पर आपके पास अगर आप देखोगे तो बाइनोमियल थ्योरम यूज होके रिमाइंडर का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये तो यार एक ट्रेंड ही बन गया है। मतलब अभी तक बाइनोमियल कोफिशियंट का आई थिंक हार्डली एक आधा क्वेश्चन देखा होगा, बट हर पेपर के अंदर आपको रिमाइंडर का क्वेश्चन जरूर मिल रहा है, और ये ट्रेंड ये भी कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। 2020 के अंदर इन्होंने क्वेश्चन दिया था जहाँ पावर 2020 थी, 2021 में इसी टाइप के क्वेश्चन में 7 की पावर 2021 थी, तो इस बार बच्चे सोच रहे थे सर पावर 2022 आएगा, इन्होंने पावर 2023 कर दिया। तो 7 से डिवाइड करना है, तो जैसे आप यहाँ पर 2021 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 2 14, 6 बचा 7 8 56, फिर से 6 बचा 61 के लिए 7 8 56, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 288 into 7 plus 5, तो ये 2021 बेटा ऐसा हो जाएगा 7 lambda plus 5, इस फॉर्म का ये नंबर हो जाएगा। इसको आप +2 -2 लोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो 7 lambda plus 7 -2, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये पार्ट तो 7 से डिविजिबल है, तो जब आप इसकी पावर 2023 लोगे तो इसके एक्सपेंशन में 7 lambda plus 7, ये जो नंबर 7 से डिविजिबल है, इसकी सारी पावर्स नीचे 7 से डिविजिबल होगी, इस लास्ट टर्म को छोड़ के। लास्ट टर्म क्या है अपने पास, -2 की पावर 2023, पावर ऑड है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमको इसका 7 के साथ रिमाइंडर देखना है, तो 2 की कोई ऐसी पावर ढूंढो जो 7 के पास है, 2 cube 8 होता है, तो हमें इसको 2 cube बनाना है, तो 2023 से तो 3 बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसमें एक 2 अलग कर लो क्योंकि 2023 के साथ 3 का रिमाइंडर 1 आता है, तो इसको -2 into 2 की पावर 2022 लिख दो अपॉन में 7। अब यहाँ पर इसको आप इस 2 की पावर 2022 को 8 की पावर में अगर आप देखेंगे तो ये 670 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 upon 7। अब आप इस 8 को क्या लिख सकते हैं, इस 8 को आप 7 plus 1 की पावर 674 लिख देंगे, फिर से सब कुछ 7 से डिविजिबल हो जाएगा, बाहर माइनस 2 के साथ बस क्या बच जाएगा 1 की पावर 674, तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, -2, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते, ये आपको शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एनालिसिस में भी बताया था 24th के पेपर में, तो नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो इसमें डिवाइजर ऐड कर दो, ये पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइजर ही ऐड करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ये बाइनोमियल का है और हमें पता है कि ये क्वेश्चन आएगा, 2 दिन से एनालिसिस में यही बोल रहा हूं मैं कि बाइनोमियल के साथ रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको अपन ईजी लेंगे, ये मॉडरेट नहीं है, और क्लास कौन सी है, क्लास 11, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बात समझ में आ रही है अपन को, चलो। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन एक बार फिर से अपना एल्जेब्रा पर बेस्ड है और इसके अंदर आपके लिए प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्ड है, तो अपन देखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसी है। और कल अपन ने जो एनालिसिस किया था उसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, और हर साल आता है, हर शिफ्ट में आता है, मतलब जो पूरा 8-10 पेपर आप देते हो ना एक साथ, उसमें बाइनोमियल के 2-3 मिल जाते हैं, हमें कल भी मिला था और देखो आज एक और मिल रहा है। तो एक कॉइन को टॉस किया रिपीटेडली, यहीं से पता चल जाएगा कि बाइनोमियल है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी क्लास 12th बाइनोमियल अगर याद है तो बड़ा इजी, नहीं तो मॉडरेट, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बीपीडी यूज हो रहा है। तो मान लो यहाँ पर दे रखा है कॉइन इज टॉस 5 times एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 heads इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 heads। तो यहाँ मान लो हेड टेल की प्रोबेबिलिटी मिसिंग है, कुछ इन्होंने बोला नहीं कैसा डाइस है, क्योंकि वरना ट्रायल्स मिसिंग होते अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता होती, तो 4 head कैसे आ सकते हैं, 5C4 head आने की प्रोबेबिलिटी को आप अभी के लिए मान लो x, तो टेल आने की हो जाएगी y, और ये इनका सम 1 होता है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 - x हो जाएगी, तो ये हो गया 5C4 x की पावर 4 और 1 - x की पावर 1, ये किसके बराबर है, 5 बार head आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 5C5 x की पावर 5 1 - x की पावर 0।
अब क्या बेटा हलवा हो गया, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। सॉल्व करने पर ये ऐसा बनेगा, सब कुछ कट करने के बाद 5 × 1 − x = x, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 5/6, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, टेल आने की 1/6। अब बोल रहा है मैक्सिमम टू हेड्स चाहिए, कितने में, 5 टॉसेस में मैक्सिमम टू हेड्स, तो 0 हेड भी आ सकते हैं, 1 हेड भी, 2 हेड भी। 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 5c0, हेड की प्रोबेबिलिटी 0, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या ले लोगे 5, 1 हेड की 5c1, हेड की प्रोबेबिलिटी 1, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या ले लोगे 4, और 2 हेड में 5c2, हेड आने के लिए आप यहां पे क्या ले लोगे 5/6 की पावर 2 और 1/6 की पावर 3, इनको ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस बार हर बार n ट्रायल्स मिसिंग होते हैं इनके क्वेश्चंस पे, इस बार इन्होंने प्रोबेबिलिटी मिसिंग कर दी। ऑल्दो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए था कि बायस्ड कॉइन है तो आप हाफ और हाफ ले भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं और एक बड़े ही सिंपल, बड़े ही हलवा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पर आते हैं, जो सिंपल स्ट्रेट लाइन और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड है। मतलब ये क्वेश्चन ही इसीलिए दिया था कि यार 4 नंबर तो ले आओ, हम दे रहे हैं बस, ले आओ आप 4 नंबर, है ना, ये लो हम फ्री दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एक वर्टेक्स है 3,7 और बाकी के दोनों वर्टेक्स इस लाइन पे, अब इसका एरिया पूछा है, बताओ इससे सिंपल क्या देंगे। यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो ये ऑल्टीट्यूड आ जाएगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 3 + 7 − 5 / √2, तो ये 5 / √2 क्या आ गया, ऑल्टीट्यूड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड लेंथ ए है तो आपका एरिया होता है √3/4 × side² जो हमें निकालना है, और ऑल्टीट्यूड होता है √3/2 × side जो 5/√2 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, साइड लेंथ आ गई 5√2/√3, उठाओ फॉर्मूला में पटको, एरिया आ गया। तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था, यही लिख देना चाहिए था कि बेटा होमवर्क है ट्राई कर लो। तो 11th क्लास इजी, नहीं समझ आया तो वापस सोचो, ये आपसे खुद से होना चाहिए, ठीक है। और किसका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम हलवा सवाल। आगे बढ़ते हैं और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये है सीक्वेंस सीरीज का ही, बट क्वेश्चन बड़े ही प्यार से फ्रेम हुआ यार, मतलब है दो लाइन का बट जो थिंकिंग इन्वॉल्व है ना, ये 12th क्वेश्चन में एक्चुअली मजा आया पूरे पेपर के अंदर। ये 12th क्वेश्चन मुझे, जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, टफ नहीं है, मॉडरेट ही लिखूंगा मैं इसको, है ना, ट्रिक बड़ी सिंपल है, आप देखोगे तो आपको भी मजा आएगा। तो ये बोल रहा है मान लो i, j, अब ये डबल समेशन है तो i 1 से 10 जा सकता है, j भी 1 से 10, तो ऐसे 100 टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स है। अब बोल रहा है a + b निकालो, a क्या है i और j का मिनिमम, b है i और j का मैक्सिमम, तो कैपिटल a + b क्या आ जाएगा, डबल समेशन तो कॉमन, i = 1 से 10, j = 1 से 10 ऐसा, और ये आ जाएगा मिनिमम i, j + मैक्सिमम i, j। तो बेटा सिंपल सी बात है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम होगा, तो i, j में मान लो i minimum j maximum है तब भी i + j आएगा, j minimum i maximum है तब भी j + i आएगा, बराबर है तब भी j + i आएगा। अरे कितना हलवा सवाल है यार, क्या सर ये ऐसी डबल समेशन को देख के डर रहे थे क्या हम? हाँ, इनका सम आप सोचो ध्यान से, ये i + j आएगा, क्या आएगा, i + j। अब ये समेशन करना है तो पहले बाहर वाला ये अंदर वाला समेशन करो, तो समेशन i आप करोगे तो i 1 से 10 जा रहा है, 1 + 2 + 3 से लेकर 10, n + 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, नहीं तो 1 से लेकर 10 तक का सम आप ep से निकाल लो तो 55 आ जाएगा, और j जो है ये कांस्टेंट है, तो i बराबर 1 से 10 सम करोगे तो ये 10j बन जाएगा। अब आप j बराबर 1 से 10 कर लो, इसके लिए 55 कांस्टेंट है, तो 55 × j करोगे तो 550 हो जाएगा, 10 बाहर आएगा, और j का समेशन करोगे आप तो फिर से ये भी आई की तरह 55 आ जाएगा 1 से 10, तो 550 + 550 1100 हो गया। तो ये ट्रिकी है, सोचो, सोचना पड़ेगा आपको, और इसको मैं सीक्वेंस सीरीज में ले रहा हूँ क्योंकि सम है। क्लास 11th, और डबल समेशन मैंने पहली बार मेंस के पेपर में देखा है, तो अब आगे आने वाले बैचेस को बताऊंगा, डबल समेशन भी ध्यान रखा करो, मेंस के लिए भी जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं, और अभी जो आज दूसरा वीडियो डाला था 25 shift 2 का, उसके अंदर मीन डेविएशन पे क्वेश्चन था, हर बार स्टैंडर्ड डेविएशन इन पे होता है ना, इस बार इसके अंदर भी इन्होंने मीन डेविएशन डाल दिया, बट ये 13 बहुत लेंथी है बेटा, इस तरह के अगर स्टैट्स के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो लास्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं, पहले टाइम वेस्ट हो सकता है अगर कैलकुलेशन गड़बड़ होती है। तो पहले तो मीन और वेरियंस दे रखा है, दो ऑब्जर्वेशन मिसिंग है,
और इससे पहले ए और बी निकालेंगे, तो मीन में तो क्या लोगे सबका सम, तो सबको आप ऐड कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, ये 6 हो जाएगा। तो दो ऑब्जर्वेशंस का सम किसके बराबर आ गया 7। अब वेरियंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो यहाँ इसका स्क्वायर ऐड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ऐसा लोगे आप तो ये 189 बन जाएगा, नीचे 5। मीन का स्क्वायर अपन यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये किसके बराबर आएगा वेरियंस के। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो पहला पार्ट है ना ये प्रीवियस ईयर में आ चुका, तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये 36 उधर जाएगा 42.8 बनेगा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25। अब इन दो इक्वेशन से मजेदार रूप से एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी की वैल्यू 3 और 4 है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये आ गई बेटा 3, 4, 5, 8, 10। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन मॉड्यूलस ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन से सबका डिफरेंस निकालो, वो भी एब्सोल्यूट, 6 से सब्ट्रैक्ट करो इसको, ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, इन सबको ऐड करोगे और तो आ जाएगा आपके पास 12। तो 12 अपॉन 5 इंटू 25 60। तो अगर आप पढ़ के गए हो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन तो बड़ा हलवा है, नहीं तो मॉडरेट तो मैं रेट करूंगा ही, 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स आसान सवाल हो सकता था। 14th पे आते हैं, बहुत देर से क्वाड्रेटिक नहीं देखा, अब एक ऐसी इक्वेशन हमारे सामने आ रही है जिसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसके केस के अंदर एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये क्वाड्रेटिक को पहले फिलहाल तो बाय क्वाड्रेटिक है, तो सारे के सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे एक तरफ लेकर आएंगे, एक तरफ लाएंगे तो ऐसा बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा एक ही तरफ है ऑलरेडी, अच्छी बात है, x स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, तो ये x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर आएगा, है ना, माइनस में यहाँ पे 3 टाइम्स x माइनस 1 बाय x आएगा और एक माइनस 2 ये 0 है, तो x बेटा x 0 सेटिस्फाई तो नहीं करता इसको, तो x स्क्वायर तो 0 होगा नहीं, तो यही 0 होंगे। अब आप इस x माइनस 1 बाय x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, अगर आप x माइनस 1 बाय x को t मानोगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2 t स्क्वायर आ जाएगा, तो इस इक्वेशन के अंदर आप x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस 2 से रिप्लेस कर सकते हो, x माइनस 1 बाय x को आप t से रिप्लेस कर सकते हो, तो x की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी यहाँ पर, t स्क्वायर माइनस 3t 0 करने पर t आ जाएगा 0 और t आ जाएगा 3। अब आप x माइनस 1 बाय x को एक बार 0 के बराबर रखोगे, एक बार आप इसको किसके बराबर रखोगे 3 के बराबर, क्या बात समझ में आ रही है अपन को, पक्का इनका क्यूब ऐड करना है, यहाँ से इसके रूट्स तो x बराबर प्लस माइनस 1 आएंगे, तो 1 का क्यूब और माइनस 1 के क्यूब का सम तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना नहीं है। ये एक शानदार क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ रूट्स इरेशनल है तो रिलेशन बिटवीन रूट्स यूज करो, अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा बीटा माइनस 1 है, इनकी हेल्प से अब आप क्या निकालोगे, इनकी हेल्प से आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालोगे, ठीक है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो, पूरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में चेंज हो जाएगा, तो ये दो रूट्स 1 और माइनस 1 थे उनका क्यूब का सम 0 हो गया, दो इरेशनल थे उनके लिए आपको अल्फा और बीटा में अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का यूज करना पड़ेगा, और इस क्वाड्रेट इस बाय क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स माइनस 1 बाय एक्स को टी मानना पड़ेगा। तो ये आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुली आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है पक्का। तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं ये वेक्टर्स पर बेस्ड है, और वेक्टर्स की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज जैसे ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ यूज होंगी, तो इसको अब एक बार साइज में बड़ा करते हैं और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए पता है, तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी,
ए डॉट सी ए डॉट बी पता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका पहला, ए डॉट सी की जगह 3 रख दो और ए डॉट बी की जगह 1 रख दो, ये पहला वेक्टर है इस बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर। बी क्रॉस ए क्रॉस सी क्या होगा, ए बी डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। अब बी डॉट सी की जगह आप यहाँ पे क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, और ए डॉट बी की जगह आप क्या रख दोगे यहाँ पे, 1 रख दोगे। ऐसा लास्ट में यहाँ पर सी क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगा ए डॉट सी डॉट बी। मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, ना कोई जादू नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी डॉट बी की जगह आप यहाँ पे 2 रख दो और ए डॉट सी की जगह 3 रख देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर ये जो भी ए बी सी के कोफिशियंट्स होते हैं यहाँ पर इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब में वेक्टर ए बी सी आ रहा है, तो आप एक तो बॉक्स बना लोगे बॉक्स ए बी सी, और एक आपके पास इस केस में इसके कोफिशियंट्स का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। जिन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ी उनके लिए आसान है। तो ये 0, 3, -1, यहाँ ए नहीं है इसलिए 0 लिखा है, यहाँ बी नहीं है तो 2, 0, -1, और इधर सी नहीं है तो 2, -3, 0। मजा तब आएगा जब ये डिटरमिनेंट निकालोगे, आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हुआ, फिर डॉट प्रोडक्ट की, ये बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज हुई, तो इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्लास 12th वेक्टर्स का क्वेश्चन, वेक्टर 3D, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और अब हमें भी पता है, अब तक पूरी दुनिया जानती है, सब जने जानते हैं कि हर पेपर में मेंस में एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन के बिना कोई क्वेश्चन फिनिश ही नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर 16th क्वेश्चन है, ये एरिया अंडर द कर्व है। तो पहले अपन y बराबर x²-9 बनाते हैं, फिर उसके मॉड का ग्राफ देखेंगे, फिर y बराबर 3 बनाकर देखेंगे कि ये किस तरह से जा रहा है। तो y बराबर x²-9 एक क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ हमें बनाना आता है। ये कैसे बनेगा, दो रूट्स आते हैं इसके, एक आता है -3 एक आता है 3, और ऐसा ग्राफ बन जाता है। अब आप अगर इसका मॉड लेंगे तो मॉड लेने पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे वाले पार्ट का ये जो ऊपर मिरर इमेज बन जाएगा इस तरह से, और जीरो पे वैल्यू जो पहले -9 आ रही थी अब +9 आ जाएगी। और अब अगर आप y बराबर 3 बनाएंगे तो y बराबर 3 कुछ इस तरह से यहाँ पे गुजर जाएगा, इस तरह से ऐसे पास हो जाएगा इनको कट करते हुए। और आपको बोला ये एरिया जो अभी ग्रीन वाला एरिया मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला पर्टिकुलर एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बात समझ में आती है अपन को, पक्का, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो अब अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके केस के अंदर दोनों सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि 3 पार्ट्स होंगे इसके आगे। तो ये y बराबर x²-9 रहेगा, पीछे भी x²-9 है लेकिन बीच में साइन चेंज हुआ, तो ये 9-x² बन जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करो, आप देखो 9-x², है ना, ये y है, इसको 3 के बराबर करोगे तो x±√6 आएगा। तो 3 पार्ट्स होंगे बेटा, है ना, इसके केस के अंदर। एक तो ये वाला पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है, और एक और पार्ट है आपके पास इस तरह से, है ना। तो क्योंकि ये y वाला रीजन आपके पास कांस्टेंट चल रहा है, तो हम इसका x एक्सिस के अलोंग करने की बजाय y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन प्रेफर कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव वाले पार्ट के साथ जो 9-x² है, ये वाला पार्ट के साथ, ये वाला जो पार्ट है, जैसे y बराबर 3, 3 है, तो 3 से 9 इंटीग्रेशन इसके साथ आएगा, और 0 से 3 बाकी ब्रांचेस के साथ, ठीक है। और अपन डबल कर देंगे, तो पहले तो अपन इसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ले लेते हैं, y बराबर 3, और y बराबर अगर 9-x² है तो x को आप पॉजिटिव का 9-y का रूट ले लेंगे, और अगर y बराबर x²-9 है तो x को आप पॉजिटिव का रूट y+9 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ y के लोग ध्यान से देखेंगे, ये 3 है, ये 9 है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, पहले आप 0 से 3 में इंटीग्रेशन लेंगे, 0 से 3 के अंदर अब आप किसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बाहर वाली जो ब्रांच है, कौन सी वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो ब्रांच है √9+y, इसमें से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये अंदर वाली ब्रांच, ये ब्रांच कौन सी आपकी, √9-y, इसका इंटीग्रेशन। और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, 3 से लेकर 6 में बस यही वाला पार्ट है, तो इसके अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्टली √9-y हो जाएगा। इंटीग्रेशन ध्यान से करके डबल कर देंगे। मैं इसको डिफिकल्ट रेट करता हूँ बेटा, बच्चों को मुश्किल से चमकता है कि x क्या लॉन्ग नहीं, y क्या लॉन्ग लेना, इंटरसेक्शन पॉइंट है, मॉड्यूलस है, तो वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट टाइम कंज्यूमिंग भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, है ना, एरिया अंडर द कर्व की, स्पेशली मॉड की प्रैक्टिस, इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट,
ये मुझे कई बार लगता है कि लैग कर रहे हैं बच्चे इसके अंदर। तो हमारा 16th क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन था, जो क्लास 12th का था, डिफिकल्ट था। और लास्ट में अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्लस रेंज और AOD का सवाल है, तो ये क्लास 12th का ही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और डोमेन के लिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे। कॉट इनवर्स एक्स में तो आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स में आप सिर्फ -1 से 1 ही रख सकते हैं। मजे की बात यह बेटा, कॉस इनवर्स एक्स हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉट इनवर्स एक्स भी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ये क्वाड्रेटिक जिसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो -6x-2 आएगा कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव निकाल कर आप देखेंगे कि ये कहाँ पर इंक्रीज कर रही है, कहाँ पर डिक्रीज कर रही है इस तरह से। तो अगर ये इन्होंने साइन सही बनाए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। तो अगर तीनों ही डिक्रीजिंग आ जाएंगे, अभी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ट्राई करना है, अगर ये तीनों ही यहाँ पर इस केस में डिक्रीजिंग आ जाएंगे तो बात ऐसी होती कि फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीजिंग आता है, या मान लो फंक्शन हमेशा आपका डिक्रीजिंग आ गया, तो उस केस के अंदर अगर आप सिर्फ एंड पॉइंट्स पर अगर वैल्यू निकाल लोगे तो सिर्फ एंड पॉइंट्स पर निकाली गई वैल्यू सफिशिएंट होती है, आपको फिर बीच में चेक नहीं करना पड़ता कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है या फंक्शन कहाँ डिक्रीज हो रहा है। हम उसके केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स पर वैल्यू निकालते हैं और उसी पर हमारा काम चल जाता है, है ना, ये बात समझ में आ रही। तो इसके केस के अंदर भी ऐसा ही है, अगर आप यहाँ पर तीनों तो डिक्रीजिंग नहीं, आई थिंक क्वाड्रेटिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो आपको शायद यह डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो f'x आप लोगे तो cos x का डेरिवेटिव कुछ ऐसा आएगा, cot inverse x का डेरिवेटिव ऐसा आएगा, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऐसा आएगा। अब आपका काम है सोचना, 0 से 1 में तो डायरेक्टली दिख रहा है नेगेटिव, -1 से 0 में इसका डिनोमिनेटर 1 से छोटा है, मतलब तो ये 0 से 1 में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप खुद सोच के देखना और मुझे बताना, तीनों अलग अलग डिक्रीजिंग तो नहीं है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, बट एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव है, क्यों है ये आपको ट्राई करना। तो ये हमेशा डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो रेंज के लिए आप बस इसमें एक बार -1 रखेंगे तो 2 cos inverse -1 pi होगा, 4 cos inverse -1 3π/4 होगा, और एक्स स्क्वायर एक्स के अंदर -1 रखेंगे तो -3 + 2 + 10, ये इसकी अपर लिमिट आ जाएगी, मैक्स वैल्यू। और वन रखेंगे तो आपको मिन वैल्यू मिल जाएगी, जब ये क्या होगा मिनिमम, वो आप ट्राई करें रख के, वो आपका ए से लेकर के बी आ जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, फिर डोमेन जो ITF से आ रहा है वो यूज करके -1 पुट करेंगे, तो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। तो ये हमारा एनालिसिस था इस पेपर का, जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार अगर अपन इसे रिवाइज करें तो एक AOD का टफ सवाल, एक यहाँ पर हमारे पास एरिया अंडर द कर्व का डिफिकल्ट सवाल, फिर एक क्वाड्रेटिक का डिफिकल्ट सवाल, एक सब सीरीज के डबल समेशन का ट्रिकी सवाल जिसको मॉडरेट मान सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एल्जेब्रा के सवाल बाकी हलवा थे बेटा, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन का एक हलवा, प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम में रिमाइंडर जो पिछले 4 शिफ्ट से आया है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक ईजी केस सिलेक्शन वाला, है ना। फिर ये कॉमन टेंजेंट वाली पढ़ाई हमने करी थी रिविजन सीरीज में, जाकर एक बार वापस देखे वीडियो को भूल गए हैं तो, ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की यूज हुई, है ना। नॉर्मल का क्वेश्चन, अगर नॉर्मल की इक्वेशन याद थी तो आ जाता, थोड़ा सा फिर भी डिफिकल्ट रेट किया है। लिमिट्स के अंदर ITF है, बट सिंपल सा ITF सॉल्व करती लिमिट्स ऐसा कुछ खास नहीं बनेगा। इंटीग्रेशन का फिर से डिफिकल्ट सवाल, मॉड के साथ मैक्स का क्या होता है पता होना चाहिए, और फर्स्ट कॉम्पोजिशन का मॉडरेट क्वेश्चन है, और सेकेंड आपके पास टेंजेंट्स का फिर से AOD का थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। तो अगर आपको पसंद आया ये डिस्कशन, ये एनालिसिस जो मेमोरी बेस पे था, तो प्लीज़ इसे अपलोड करें, लाइक करें, आपके बाकी एस्पिरेंट JEE एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ अच्छा फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आप कॉमेंट्स में दे सकते हैं, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे चैनल के लिए और काम करने का मोटिवेशन मिलता है और चैनल ग्रो हो, यही हम सब चाहते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, एंड ऑल द बेस्ट कल के JEE शिफ्ट के लिए।